नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 2 जुलाई, कल के सेशन में करेंसी मार्केट के अंदर हमने एक अच्छी खासी प्राइस मोमेंटम आती हुई देखी, जहां हमने करेंसी के अंदर इनिशियली जो भारी गिरावट थी उससे उभरता हुआ देखा और प्राइस बाइंग के चलते 75-80 के करीब हम USD/INR को क्लोज होते हुए देखे। वहीं EUR/INR में भी हमने फ्लैटिश टोन देखा। दिन के सेशन में मार्केट ने कोशिश की थी 85 का लेवल तोड़ने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते प्राइसेस 84-90 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं पाउंड में हमने देखा कि एक शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइसेस में एक अच्छा खासा उछाल दिखाया, करीबन 1% का। 94 का अभी भी एक इमीडिएट हर्डल है। अनलेस एंड अनटिल 94 के ऊपर प्राइसेस होल्ड नहीं करता, पॉसिबिलिटी है फिर से हमें एक पुल बैक देखने मिल जाए। JPY में भी हमने फ्रेश बाइंग के चलते थोड़ा बहुत बाउंस देखा। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट आती हुई देखी है, ये कहीं ना कहीं सभी काउंटर्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट देता हुआ दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो रुपए में हमें लगता है ये कुछ स्ट्रेंथ देखने मिल सकती है, जिस ढंग से इक्विटी मार्केट स्ट्रांग है। वीक्स इंडेक्स में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है, COVID-19 के केसेस के लेकर भी एक अनसर्टनिटी बनी हुई है। बट कल जिस ढंग से फाइजर का अपडेट आया कि हम कुछ वैक्सीनेशन पे काम कर रहे हैं जो पॉजिटिव रिजल्ट दिखा सकती है, जिसके बाद हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट में थोड़ा बहुत एक लोअर लेवल से बाइंग आती हुई दिखाई दी। वहीं अगर यूरो की बात करें तो यूरो में कल हमने फॉल आते हुए देखा। जिस ढंग से ओवरऑल जो पॉजिटिव डेवलपमेंट यूरोप में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पाउंड। पाउंड में हमने देखा कि इनिशियली तो प्राइसेस में एक अच्छा खासा फॉल था पिछले 2-3 सेशन में, फिर 1% की तेजी आती हुई दिखाई दी। अपसाइड थोड़ा सा एक कंसर्मेटिक ही है, बिकॉज ब्रिटेन गवर्नमेंट विल पे फॉर दी प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा बात हुआ है। जबकि साथ में हम ब्रिटेन रिलेटेड जो ब्रेग्जिट रिलेटेड जो हम रिस्क है वो अभी भी मार्केट को हॉन्ट करता हुआ दिखाई देगा। JPY सेफ हेवन करेंसी है, तो जिस ढंग से हमने इकोनॉमिकल कंडीशन जो थोड़ा बहुत खराब दिखाई दे रहे हैं उसके चलते JPY में भी हमने थोड़ी बहुत बाइंग देखी। आज के ओपनिंग की अगर बात करें तो USD/INR करीबन 75-70 के करीब ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। EUR/INR में भी एक बाउंस दिखा सकता है, वो 85-10-15 के आसपास रहेगा। वहीं पाउंड फ्लैटिश नोट के साथ ओपन हुआ करीबन 93-80 के करीब, जबकि JPY में हम फिर से गिरावट देख पाएंगे जो 70-30 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। वहीं अगर यूरो के चार्ट्स की अगर बात करें तो यूरो के चार्ट में अगर हम देखें तो 25 जून से ही हमने देखा है प्राइजेस एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी नहीं है। साथ में 200 डे मूविंग एवरेज है जो करीबन 85-10 के करीब इस वक्त है। अनलेस एंड अनटिल मार्केट को स्ट्रांग न्यूज के बाद 85-10 का लेवल नहीं तोड़ता है, पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस 85-10-15 तक का लेवल छुएगा और उसके बाद फिर से गिरावट ले सकता है। खाली ध्यान रखिए, अगर 85-20 के ऊपर निकलता है तो हम एक अच्छी तेजी कर पाएंगे जो 85-45 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं पाउंड की अगर बात करें तो जिस दिन से हमने देखा 200 डे मूविंग एवरेज करीबन 94.50 के करीब का था, इसके नीचे प्राइसेस में कंटिन्यू गिरावट थी। अब थोड़ा एक पुल बैक जरूर दिखाया है, बट ये सस्टेनेबल पुल बैक नहीं रहेगा। प्राइसेस अनलेस एंड अनटिल 94.20 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है फिर से हम एक गिरावट देख पाएंगे जो करीबन 93.60 से लेकर 93.20 तक का भी लेवल दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आपको टाइम टू टाइम करेंसी एंड कमोडिटी के अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।